आज हम जो मज़मून पढ़ेंगे, आज हम जो लेख पढ़ेंगे, ये हिंदी अखबार अमर उजाला में छपा हुआ एक लेख है जिसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है। ये लेख शंकर अय्यर का है और अगर आप इसका मूल लेख ओरिजिनल टेक्स्ट देखना चाहें तो YouTube पर हमारे वीडियो लर्न हिंदी थ्रू उर्दू लेसन 76 में देख सकते हैं। लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 76 में अमर उजाला का ये लेख मौजूद है। आइए पढ़ते हैं ये लेख। श्रीनगर क्यों न हो पहला स्मार्ट सिटी। श्रीनगर क्यों न हो पहला स्मार्ट सिटी। शंकर अय्यर। गर फिरदौस बर रूए जमीनस्त हमीनस्त हो हमीनस्त हो हमीनस्त। गर फिरदौस बर रूए जमीनस्त हमीनस्त हो हमीनस्त हो हमीनस्त। कश्मीर को जन्नत अर्जी बताते हुए अजीम शायर अमीर खुसरो ने कभी ये शेर कहा था, मगर 2014 के ज़बरदस्त सैलाब के अलमिये से अब तक न निकल सके कश्मीर की हालत कुछ और ही कहानी बयां करती है। सर्दियों के दस्तक देने के साथ यहाँ के बेघरबार तलबा छोटे कारोबारी और दूसरे तमाम लोग जिस तरह अपने वजूद को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे कश्मीर एक बुरे ख्वाब की तरह ज़्यादा नज़र आ रहा है। गुज़श्ता हफ्ते नरेंद्र मोदी ने बतौर वज़ीर आज़म अपनी पहली दिवाली श्रीनगर में मनाई और इस दौरान उन्होंने कश्मीरियों की शिकायतें भी सुनी, उसे एक पैगाम और एक इशारे की तरह समझा जाना चाहिए। मोदी इस खेल में माहिर हैं। दरअसल मोदी अपने आप में एक पैगाम हैं। अपने अनोखे अंदाज में वो मरकजी हुकूमत को वादी के लोगों तक ले गए। छोटी छोटी चीज़ों के इंतज़ामी फ़न में माहिर सियासतदान के तौर पर मोदी ने ख़ास तौर पर बहाली निज़ाम के फौरी उमूर पर तवज्जो दी। मसलन रिहाइश, बच्चों के लिए किताबें, इलाज की सहूलत वगैरह। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये की मदद के अलावा उन्होंने 745 करोड़ रुपये की मजीद इमदादी रकम मुहैया कराने का भी ऐलान किया। हालांकि सैलाब की हौलनाकी को देखते हुए यह रकम ऊँट के मुंह में ज़ीरे जैसी है। गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत पहले ही नुकसान की भरपाई के लिए 44,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत जता चुकी है। इन एदाद व शुमार को लेकर बेशक बहस की जा सकती हो, मगर कश्मीर में आई क़यामत की होलनाकी शुबा से बालातर है। मोदी हुकूमत तस्लीम करती है कि इस महाज पर काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है और ऐसा किया भी जाएगा। हालांकि इस अलमिये के पीछे भारत और नरेंद्र मोदी के लिए एक मौका भी पोशीदा है।
क्यों न श्रीनगर को अव्वलीन स्मार्ट शहर के तौर पर फ़रोग दिया जाए। दोबारा तामीर का ये चैलेंज स्मार्ट शहरों के लिए पॉलिसी तयन का रास्ता खोल सकता है। श्रीनगर को स्मार्ट शहरों के ख्याल का नुमाइंदा चेहरा बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत में शहरकारी की शुरुआत मंसूबाबंद न होकर बेतरतीब तौर से हुई। तकरीबन 6.5 करोड़ लोग आज भी झुग्गियों में रहते हैं। फिर हर साल आने वाली कुदरती आफात भी गैर मंसूबाबंद शहरकारी का हकीकी चेहरा सामने ले आती हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने शहरकारी का चेहरा बदलने और उसमें तेज़ी लाने का वादा किया है। 100 स्मार्ट शहरों की पहल, जो एक अहम इंतखाबी वादा होने के साथ हुस्न इंतज़ाम की बुनियादी कदर भी है, भारत की ज़रूरत बन चुकी है। हालांकि इस ज़मन में कतई पॉलिसी का मसौदा बनना अभी बाकी है। ताहम फ़िलहाल तो ये ख्याल हकीकत बनने से पहले ही रहनुमा हिदायत के तूफ़ान में फंसा दिख रहा है। श्रीनगर में स्कूल, दुकानें, बिजली के तार, पानी की सप्लाई और टेलीफोन का नज़्म, सड़कें और पुल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इसे सदी का सबसे होलनाक अलमिया करार दे चुके हैं। ऐसे में पूरे शहर को दोबारा बनाना होगा। वाज़ेह हो कि 2000 साल से भी पहले कायम होने वाला श्रीनगर दूसरे भारतीय शहरों की तरह हिफाजती इंतजामात और माहौलियात की फिक्र किए बगैर फ़रोग पाना शुरू हुआ। श्रीनगर का हालिया अलमिया मुख्तलिफ महाज़ों पर नाकामी का कसीर जहती असर है। इसकी होलनाकी और दोबारा क़याम नीज़ बाज़ आबादकारी के ज़बरदस्त चैलेंज के पेश नज़र फौरन कदम उठाने की ज़रूरत है। इस ज़मन में तरगीब हासिल करने के लिए आलमगीर सतह पर तमाम ऐसे शहरों की मिसाल मौजूद है जिन्होंने आफात के बाद ख़ुद को दोबारा खड़ा किया। मसलन 2007 में अमेरिका में टोर्नेडो से बर्बाद हुए ग्रीन्सबर्ग शहर ने अपनी दोबारा तामीर के लिए ग्रीन और स्मार्ट शहर का रास्ता अपनाया। इसके अलावा हाल ही में जलजले और सुनामी की मार झेल चुका फुकुशिमा नए कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है। दरअसल मुस्तकबिल के लिए श्रीनगर को दोबारा खड़ा करते वक्त गैर मंसूबाबंद तौसी के ख्याल से तौबा करते हुए स्मार्ट नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। कश्मीर के हालिया अलमिया का पहला सबक है कि श्रीनगर में बुनियादी निज़ाम का कोई भी ऐसा सिरा नहीं बचा जो मुनहदिम न हुआ हो, और बुलंदी से ली गई तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें, टेलीविज़न फुटेज और सबसे अहम फ़ौज के दस्तावेज़ों को खंगालने से मालूम पड़ जाएगा क्या नहीं होना चाहिए था और फ़िलहाल क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो माहौलियात के बंदोबस्त पर तवज्जो देना होगी। इसके लिए रवायती निज़ामों को मजबूत बनाना होगा और आराजी के इस्तेमाल की फिर से निशानदेही करना होगी। माहौलियाती तौर पर
काफ़ी गैर मुस्तहकम इस इलाके में मौसम की पेशेंगोई का निज़ाम दुरुस्त करना होगा। 2010 से जिन डोपलर रडारों की बात हो रही है, उनके समेत दूसरे जदीद तरीन आलात का इस्तेमाल करना होगा। तवानाई और मवासलात से वाबस्ता निज़ाम को इस तरह फ़रोग देना होगा कि उन्हें हर सूरत हाल में बहाल रखा जा सके। वार्निंग सिस्टम और निकासी बंदोबस्त को पुख्ता करने के लिए इत्तलाआती तकनीक का बेहतर इस्तेमाल होना ज़रूरी है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तेज़ बंदोबस्त और काबिल तजदीद मुतवाजी तवानाई निज़ाम जैसे इकदामात की तवील फहरिस्त है, जिन्हें बिला ताखीर नाफिस किया जाना चाहिए। रियासत की माशी हालत के पेश नज़र कहने की ज़रूरत नहीं, तमाम खर्च मरकज़ के ही ज़िम्मे होगा। तो फिर इस आफत को मौका बनाने में ताखीर कैसी? खुसरो के अल्फाज को फिर से जिला बख्शने का मौका मोदी हुकूमत के पास है।